हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हमारा नया लेसन स्टार्ट करते हैं। दैट इज एल्जेब्रिक फॉर्मूले। और जिन तीन फॉर्मूले के बारे में आज हमको देखना है, वो फॉर्मूले हमारे पास मौजूद है, जिनमें से पहला फॉर्मूला है ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला जो हमारे पास मौजूद है, डेट इज ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और तीसरा फॉर्मूला जो हमारे पास मौजूद है, डेट इज ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए, इन तीन फॉर्मूला के ऊपर हमको आज डिस्कस करना है और इनके ऊपर की ही एग्जाम्पल यानी मिसालें हमको देखना है। देखिए, पहला फॉर्मूला जो हमारे पास मौजूद है, जिसके अंदर हम ए को जो है पहला टर्म बोलते हैं, दिस इज द फर्स्ट टर्म, बी दिस इज द सेकंड टर्म। पहली टर्म और दूसरी टर्म की जब हम प्लस करते हैं और होल स्क्वायर लेते हैं, पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर लेते हैं, तो उसका एक्सपेंशन हमको मिलता है पहली टर्म का स्क्वायर प्लस टू मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय सेकंड टर्म। यानी पहली टर्म और दूसरी टर्म का मल्टीप्लाई करो और फिर उसको टू से मल्टीप्लाई करें तो हमको इधर एक्सपेंशन में सेकंड टर्म मिलेगा प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर। अब ये जो हमको फॉर्मूला मिला है, ये फॉर्मूला हमको इस लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के बाद मिला है। मतलब ए प्लस बी ब्रैकेट, ये एक ब्रैकेट जो है इसका स्क्वायर है और इस ब्रैकेट को इसी ब्रैकेट से, मतलब ए प्लस बी को दूसरे ब्रैकेट के ए प्लस बी से मल्टीप्लाई करने पर हमको उसका एक्सपेंशन ये मिला। बिल्कुल उसी तरह से सेकंड फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है, ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। मतलब पहली टर्म माइनस दूसरी टर्म और होल स्क्वायर अगर हमने लिए लेफ्ट हैंड साइड में, तो उस वक्त हमको राइट हैंड साइड में इसका एक्सपांशन, इस लेफ्ट हैंड साइड की फैली हुई शक्ल, इसका एक्सपांशन हमको मिल जाता है ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। दिस इज द एक्सपांशन। और ये सेकंड फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है, इस पर एग्जाम्पल हम अभी आगे लेने वाले हैं। फिर हमको लेफ्ट हैंड साइड में दूसरा एक फॉर्मूला दिया है कि पहले ब्रैकेट में दो टर्म की प्लस किया गया है, ए पहली टर्म है बी दूसरी टर्म है, पहली टर्म प्लस दूसरी टर्म एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में उसी पहली टर्म में से दूसरी टर्म को माइनस किया गया, दैट इज ए माइनस बी। तो इस कंडीशन में हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो जाता है, सॉरी राइट हैंड साइड हो जाता है हमको पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर। तो दीज आर द एल्जेब्रिक फॉर्मूले। ये जो है एल्जेब्रिक आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है सातवीं क्लास के बच्चों के लिए, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, आगे की क्लास में भी इसका यूज है। तो आप देखिए, हम इसके ऊपर जो है कुछ मिसालें लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल के जरिए हम इन फॉर्मूलों को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, पहला जो है हमारे पास है ए प्लस बी, सबसे पहले हम उसकी मिसाल लेते हैं। फर्ज कीजिए हमको एक क्वेश्चन दिया है जिसके अंदर हमको 2x प्लस 3y स्क्वायर, और इस एक्सप्रेशन का हमको जो है वो एक्सपेंशन करना है, मतलब फॉर्मूले का यूज करके इसको सॉल्व करना है। तो सीधी सी बात है, हमारे पास ओरिजिनल फॉर्मूला मौजूद है a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। मतलब पहली टर्म का स्क्वायर, यहाँ पर पहली टर्म पूरी की पूरी 2x है, यानी a की जगह पर पूरा 2x है और b की जगह पर 3y है। जब हमको राइट हैंड साइड में a स्क्वायर है तो हम पूरे के पूरे पहले टर्म का स्क्वायर लेंगे प्लस फॉर्मूले के अंदर हमारा 2 मौजूद है, हम 2 लेंगे। उसके बाद ए बी है, ए बी यानी पहला टर्म मल्टीप्लाइड बाय दूसरा टर्म, तो पहला टर्म हमारे पास 2x है मल्टीप्लाइड बाय दूसरा टर्म मौजूद है 3y। तो इस तरह से तीनों को हम एक साथ लिखेंगे और ये तीनों मिलकर जो है वो सेकंड टर्म तैयार होगी राइट हैंड साइड की, राइट हैंड साइड की सेकंड टर्म हमारी तैयार होगी, दैट इज 2ab, a की जगह पर 2x, b की जगह पर 3y, प्लस जो दूसरा टर्म हमारे पास मौजूद है
दैट इज 3y, तो हम दूसरे टर्म का स्क्वायर लेंगे यानी 3y स्क्वायर। इस तरह से हमने जो ओरिजिनल फार्मूला है, ओरिजिनल फार्मूले के अंदर जो है वैल्यूज को पुट अप कर दिए है, वैल्यूज को रख दिए है। अब इन वैल्यूज को हम सॉल्व करेंगे, जब हम 2 का स्क्वायर निकालेंगे तो 4 और x का स्क्वायर निकालेंगे तो x स्क्वायर। इस तरह हमको पहला टर्म मिल जाए, उसके बाद प्लस हम इस पूरे टर्म को सॉल्व करेंगे जिसके अंदर तीन जो है नंबर्स मौजूद है, 2 × 2x × 3y। यानी पहले हम जो कांस्टेंट है, जो कोएफिशिएंट है, उनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 4, 4 × 12 यानी 12, और फिर हम वेरिएबल यानी मुतगयर की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा एक्स वाई। इस तरह हमारा जो है दूसरा टर्म तैयार होगा राइट हैंड साइड का, दैट इज 12xy। प्लस करके हम इस तीसरी टर्म का स्क्वायर निकालेंगे यानी 3 का स्क्वायर 9 और वाई का वाई स्क्वायर। इस तरह से हमको फॉर्मूले के अंदर जाब्ते के अंदर वैल्यूज रखने के बाद ये आंसर मिला है, और ये जो है 4x² + 12xy + 9y² दिस इज द एक्सपांशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन। इस 2x + 3y ब्रैकेट स्क्वायर, इसका एक्सपांशन हमको ये मिला है जो हमने जाब्ते का इस्तेमाल करके हासिल किया। चलिए ये एग्जांपल एक प्लस की थी, अब हम एक माइनस की एग्जांपल लेकर बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व करते हैं। फर्ज कीजिए हमको एक दूसरी जो है एग्जांपल दी हुई है जिसके अंदर हमको कहा गया है कि सॉल्व कीजिए या एक्सपांड कीजिए 2a - 3b ब्रैकेट स्क्वायर। इस एक्सप्रेशन को हमको सॉल्व करना है जो स्क्वायर की शक्ल में दिया हुआ है। अब हमारे पास फॉर्मूला, ओरिजिनल फॉर्मूला मौजूद है a - b ब्रैकेट स्क्वायर, जिसका राइट हैंड साइड में एक्सपेंशन होता है a² - 2ac + b², यानी हमको पहली टर्म का स्क्वायर लेना पड़ता है। यहाँ पर पहली टर्म सिर्फ a नहीं है बल्कि 2a है, तो सीधी सी बात है इसके अंदर हम पूरे 2a का जो है वो स्क्वायर करेंगे। 2a² फॉर्मूले का माइनस है तो हम माइनस लेंगे, फॉर्मूले के अंदर 2 मौजूद है तो 2 × पहला टर्म यानी 2a × दूसरा टर्म यानी 3b, प्लस हम दूसरी टर्म का स्क्वायर करेंगे यानी 3b का स्क्वायर, जिसको सॉल्व करने पर हमको देखिए क्या मिलता है, 2² यानी 4a² माइनस पूरे के पूरे तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 4, 4 × 12, 12ab वेरिएबल जैसे कि वैसे मल्टीप्लाई करने के बाद, प्लस 3² 9 और b² 2 स्क्वायर। इस तरह से माइनस के मामले में भी हम जो है वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं, यानी 4a² - 12ad + 9b² इस तरह से हमारा जो है दूसरा फॉर्मूला, उसकी एग्जांपल हमने देख ली किस तरह से हमको जवाब मिला है। तीसरी टर्म या तीसरा फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है a + b दूसरे ब्रैकेट में a - b, मतलब दो टर्म कॉमन है, पहला टर्म सपोज 2x और दूसरा टर्म 3y। सपोज हमारे पास दूसरा टर्म 3y, 2x + 3y और दूसरे ब्रैकेट में इन्हीं दोनों की माइनस यानी 2x - 3y। ऐसी कंडीशन अगर आ जाए तो हम पहली टर्म का स्क्वायर कर लेते हैं यानी 2x² माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर यानी 3y का स्क्वायर, और ये सॉल्व करने पर आपको मिलेगा 4x² - 9y² यानी पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने तीनों फॉर्मूले जो है वो देख लिए हैं, उसमें एक्सपांशन जो है देखिए a + b a - b = a² - b² यानी पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर। तो ये तीनों फॉर्मूले ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी अलजेब्रा के स्टूडेंट के लिए, ये तीनों फॉर्मूला का एक्सपांशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मकसद से हमारा ये वीडियो बनाया, ये आपको कैसा लगा ये कमेंट करके बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।